अब बस देखो ये हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की सुबह, पहली सुबह है ये। देखो ये लोग थके हुए थे, सो रहे एकदम बेखबर बच्चे लोग, और यहाँ पर ये बैठ कर कर रहे काम। लैपटॉप साथ में गया मतलब काम करना ज़रूरी है, ये सुबह सुबह उठ के काम कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, और आपके दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एकदम अच्छे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इन लोग की गुड मॉर्निंग हो गई है, एक्चुअली हो गया है, बज गया है 2। अब जा रहे हैं हम लोग रेडी होकर नीचे उतरने फर्स्ट टाइम। और सुबह से तो हम लोग उठे ही थे क्योंकि इनको थोड़ा ऑफिस का काम भी था, ये कर रहे थे, लेकिन बच्चे सो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलो तो फिर चलते हैं इंशाल्लाह नीचे उतरते हैं और फिर आपसे ज्वाइन करते हैं। सबको नहीं, मेरा ही आधार कार्ड जाने का और जो मेरे पास कोई पैसा भर देता उसको मैं और ये देखो ये लायबा के पैर में बोली थी शू बाइट हुआ था, उसका पैर बहुत दुख रहा था, चल ही नहीं हो रहा था। और यहाँ पर रिसेप्शन पे मेरे शौहर जी जो आधा पेमेंट बाकी था हम लोग का, वही पेमेंट करने के लिए वो गए थे, तो ये कर रहे थे पेमेंट। और इसके बाद बस हम लोग दरगाह के लिए निकल गए। रिक्शा करके बोल रहा है। अरे वाह, वो क्या उधर है दरगाह से? तो खाना खाएंगे। हाँ अच्छा। हम लोग घर से निकले और ये घर के होटल के सामने ही से हम लोग की मार्केट स्टार्ट हो रही थी, और इतने अच्छा लग रहा था मार्केट में जाकर। होटल मार्केट के अंदर ही था? अच्छा, बिल्कुल मार्केट के बीच में ही था हम लोग का होटल, तो बहुत अच्छा लग रहा था। चूड़ी कपड़े इतने अच्छे लग रहे थे ना देखकर, बहुत प्यारे लग रहा था। ये देखो ये पूरा मार्केट है कपड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे चप्पल और ये चुंदरी के ड्रेस और कड़े, ये तीन चीज़ की दुकान दिखेगी। और आगे चलेंगे तो मिठाई की दुकान, मिठाई की और टोपी की, बस यही सब, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे ये कलर्स तो इतने प्यारे लग रहे थे सारे दुपट्टे के, बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन चुंदरी के ड्रेस वहाँ इतने अच्छे अच्छे, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं लगी मुझे वहाँ की, समझ भी नहीं आया। और ये देखो ये पूरा मार्केट ही है, होटल से निकलने के बाद ये पूरा मार्केट ही है, मार्केट ही एरिया है पूरा एकदम, बिल्कुल बीचों बीच है मार्केट के। और मार्केट से थोड़ा सा दूर चलकर ये देखो आ जाता है यहाँ पे दरगाह, बहुत ज़्यादा दूर नहीं बड़ा था, गेट है वो बड़ा गेट, सबसे मेन गेट जो है ना पहला गेट ना ये वाला बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा हाँ। और ये देखो आ जाता है, थोड़ी दूर चलकर ही आ जाता है, और फिर उसके सामने से ये फिर होटल्स शुरू हो जाती है सब खाने की। तो फिर यहीं पर आए थे हम लोग खाना खाने के लिए। खाने की होटल नहीं चली होती उधर पे, खाने की प्लस उधर पे रहने की होटल है, पूरा गेस्ट हाउस होटल ही है एक्चुअली। अच्छा, पूरा वो तो गेस्ट हाउस ही जैसा है, होटल भी है प्लस नीचे उसका रेस्टोरेंट भी है। हाँ। हर होटल का रेस्टोरेंट भी नीचे है। हाँ, तो बस और उसके थोड़ी थोड़ी देर में हर दुकानें आपको मिलेगी, कपड़े की, टोपी की, चप्पल की। चप्पल लिए थे हम लोग ने, उसका शूज बाइट हो गया था, उसको चलने नहीं मिला था। ये देखो इनको अखरोट तोड़ कर खाने वाला चाहिए था, तो ये वही ले रहे थे, अखरोट खाने का दिल हो रहा था, बोले तोड़ के खाने का मज़ा ही कुछ अलग है, तो इन्होंने यही लिए और तोड़ के खाए भी, और हाथ भी दुख गया था, हाथ से तोड़ रहे थे अखरोट। एक्चुअली वो अखरोट थोड़ा था, वो थोड़ा कच्चा टाइप में था, उसका कवर बहुत कड़क कड़क, लेकिन हाँ अच्छा लग रहा था। और ये यहाँ पर देखो ये पूरा, हम लोग होटल ही सोच रहे थे किसमें खाना खाए किसमें खाना खाए, बस यही सोच रहे थे। फर्स्ट डे था और बच्चे लोग बोलते अब वो आगे चलो आगे चलो, तो बस आगे चलते चलते काफ़ी दूर चले गए हम लोग, लेकिन खाने का भी टाइम बहुत हो रहा था, और सोच समझ भी नहीं आ रहा था कि कौन सी होटल में घुसे, बच्चे लोग भी चूज़ कर रहे थे कौन सी होटल में जाएंगे कौन सी नहीं। ये तो कुछ चप्पल्स वगैरह की दुकान इतनी अच्छी अच्छी थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। और फिर यही ढूंढ रहे थे, तो फिर ये वाला होटल हम लोग को पसंद आया, जन्नत होटल, न्यू जन्नत करके नाम था इसका। हाँ ये फर्स्ट टाइम हम लोग ने यहीं पर खाना खाए, हम लोग का लंच यहीं पर करे।
तो ये होटल में बच्चे लोग को भी अच्छा लगा, तो बोले अब चलो बहुत टाइम भी हो रहा है, तो फिर यहाँ पर हम लोग बैठ गए खाना खाने के लिए। ये देखो हम लोग बैठ रहे हैं। आसिफ अजीम का तो हमेशा का मचमच है बैठने का, कहाँ बैठे कहाँ नहीं। अब बस फिर यहीं पे हम लोग ने लंच करे, बहुत अच्छा लगा। हर होटल का टेस्ट अलग है, हर होटल का मतलब जो अपन मंगाए, ग्रेवी मंगाओ कुछ भी मंगाओ, हर चीज़ का वहाँ पे जायका अलग है। तो यहाँ पे अपन ने क्या मंगाए थे, चिकन 65 मंगाए थे और रेड पेपर, रेड पेपर नहीं मंगाया था, चिकन 65 ये रेड पेपर ही तो था, रेड पेपर है, चिकन 65 था और वो कुछ तो अलग ही नाम था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत टेस्टी था खाने में, अच्छा लगा। और वहाँ तो ज़्यादातर मिलती तंदूरी रोटी, तो वही मंगाए थे तंदूरी रोटी। और उसके बाद फिर हम लोग ने दरगाह के अंदर एंट्री करे, ये देखो हम लोग दरगाह में एंट्री करे और सामने एंट्री दूसरे गेट से गए थे ना अपन, ये अकबरी मस्जिद, हाँ दूसरे गेट से गए थे, दूसरे गेट से गए तो सामने ही सामने अकबरी मस्जिद है। हाँ बस फर्स्ट टाइम, बच्चे तो फर्स्ट टाइम गए थे, हम लोग तो फिर भी सेकंड टाइम गए थे, थर्ड टाइम गए थे एक्चुअली मैं, बच्चे लेकिन मेरे फर्स्ट टाइम ही गए थे। तो वो लोग बोलते थे अजमेर क्या है अम्मी, अजमेर में क्या रहता है क्या रहता है, हम लोग डेग की बात करते थे, ये सब करते थे, तो वही बोलते थे लोग क्या है ये। तो इसके अब बोले सबसे पहले चलो बच्चे लोगों को डेग दिखाते, तो वही जा रहे थे अंदर बच्चे लोगों को लेके, वही मेरे से पूछ रहे थे देखो कि सबसे पहले लोगों को डेग दिखाऊं क्या, ये छोटी है दिखा दो। तो ये सबसे ये छोटी डेग थी, ये वाली डेग है छोटी वाली, लेफ्ट हाथ पर छोटी डेग है, राइट हाथ में बड़ी डेग है, एंट्री करते थे हाँ बड़ी वाली डेग। तो ये छोटी डेग पहले देखे बच्चे लोग ने जाकर, ये देखो ऊपर चढ़ रहे, इतने खुश थे ना ये लोग, सब चीज़ अलग फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा था, तो लोग को अच्छा लग रहा था बहुत देखकर। और ये वाली थी छोटी गेट जो डेग सॉरी जो कि रोज़ बनती है, रोज़ बनती है रात में, रोज़ रात में बनती है, 11 बजे बटना चालू होती है, 11 बजे बन जाती है, उसके बाद बटना स्टार्ट हो जाती है। और फिर ये छोटी डेग से गए लोग बड़ी डेग देखने के लिए, इतना इन लोग को हैरत हो रही थी ये सब देख के, अरे बाप रे अम्मी ऐसा रहता है। तो बस ये सही था, ये देखो ये वाली थी बड़ी डेग, बड़ी डेग बहुत कम बनती है, हाँ बहुत कम बनती है बड़ी डेग में, सबसे ज़्यादा चढ़ावा चढ़ता है। और मीन्स बोले कि ये बड़ी डेग बनती है तो रातों रात बट भी जाती है, रातों रात नहीं बढ़ती, फजर के टाइम पर बढ़ती है, फजर के बाद बटना चालू होती है, रात भर बनती है और फजर के बाद बटना चालू होती है। और बड़ी डेग में सबसे ज़्यादा चढ़ावा चढ़ता है, और बड़ी डेग से गुंबद एकदम साफ दिख रहा है, फजर के नमाज का कलश उनका बड़ा दिख रहा है एकदम ऐसे। और फिर उसके बाद फिर हम लोग अंदर गए, ये सामने हौज है, तो अजीम बोल रहा था मैं यहाँ पे क्या करते हैं, तो वज़ू बनाते, मैं बता रही थी उसको, ये देखो यहाँ पे हौज है और यहाँ पे वज़ू बनता है। तो बच्चे लोग देख के काफ़ी खुश थे और हर दिन बहुत अच्छा एंजॉय करे। अभी ये तो फर्स्ट डे था हम लोग का, फर्स्ट डे था, तो ये सब देखो ये सब चादर लेकर जा रहे थे, तो लोग ये सब अलग लग रहा था देख कर, लोग फर्स्ट टाइम देखे थे। ये देखो मैं बता रही थी अजीम को, देखो अजीम यहाँ पे वज़ू बनता है, ये हौज है, यहाँ पर बैठ के वज़ू बनाते, हौज नहीं देखे ना लोगों ने कभी, यहाँ पे तो मस्जिद में जाते हैं वज़ू बनाते, वो अलग नल में से पानी आता है, लेकिन ये लोग को अलग दिख रहा था। तो मैं यहाँ पर बैठ के वज़ू बनता है ऐसे पूछ रहा था अजीम मेरे से। और फिर इसके बाद से फिर आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ कर अंदर एंट्री हुई यहाँ पर से, देखो चल रहे, अच्छा लग रहा था, इतना कोई एकदम ज़्यादा गर्दी भी नहीं थी, वो कुछ छट्टी वगैरह रहती है उनकी ख्वाजा साहब की, तो फिर वो टाइम पे ज़्यादा, ये टूरिस्ट प्लेस है, ये इधर साल के 12 महीने पब्लिक आती जाती ही रहती है, नहीं लेकिन छट्टी वगैरह मतलब में, छट्टी में क्या कि पब्लिक ज़्यादा आती है एकदम, हाँ बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम उनका उरूस रहता तो पब्लिक ज़्यादा आती है, बट ऐसे टाइम पे पब्लिक तुमको खाली कभी नहीं मिलेगी, खाली नहीं मिलेगी, पब्लिक आती है जाती है, रोज़ पब्लिक आती है, रोज़ पब्लिक जाती है, ये उनकी बीवी की मज़ार है, ख्वाजा करीम नवाज की बीवी की मज़ार है, ये इनकी आगे साइड में इस तरह, ये देखिए इनके बीवी का मकबरा, बीवी का मज़ार है, तो पब्लिक यहाँ पे भी आती है, तो कुछ मांगती है, एक्चुअली देखा जाए तो मांगना अल्लाह से ही है, अल्लाह से ही है, बट जरिया हमको किस ना किसका लगाना पड़ता है, हाँ बस वही है, क्योंकि वो अल्लाह के करीब वही है, हम नहीं है, तो जरिया हमको उनका ही लेना पड़ेगा, बस लेकिन मांगना हमको सिर्फ अल्लाह से। अभी तो ये बाय लेफ्ट राइट साइड में देखिए जो दिख रहा मार्बल का, ये एक्चुअली ये भी मस्जिद है,
अच्छा ये वाइट वाला, पूरी मार्बल की मस्जिद है, पूरी मार्बल से बनी हुई है मस्जिद। और आगे थोड़ी देर थोड़ा ही आगे जाएंगे तो आपको जन्नती दरवाजा दिखेगा। बस यहीं से आगे बढ़ रहे थे। ये कोई तो राजस्थान से कोई तो बन आए थे, ये प्राइम मिनिस्टर था राजस्थान में, कोई तो बड़ी पोस्ट पे ही है। अच्छा। तो वो आए थे तो इसलिए इतनी सिक्योरिटी थी उधर पे। तो वही ना उसका ये देखिए पूरी मार्बल की मस्जिद है, पूरी की पूरी मार्बल की मस्जिद है ये। अच्छा मतलब तुमको इसमें कुछ भी नहीं दिखा, तुम पूरा मार्बल का ही काम देखेगा तुमको, पूरा वाइट मार्बल से बना। ये छत इसलिए लगाते कि उस टाइम धूप इतनी कड़क थी, चटका लगता है, तो इसलिए मार्बल इतना गर्म नहीं होता है। नहीं मगर धूप में मार्बल गर्म हो जाता है, बट इसलिए छत लगा के इंसान सुकून से बैठ सके। और यहाँ से लेकिन बहुत अच्छा गुंबद दिखता है, क्लच बहुत अच्छा दिखता है यहाँ से। बहुत अच्छा, ये देखो इतना अच्छा सीन लगता है। आपको ऊपर का सोने का वो दिख रहा है कलश, वो सोने का कलश है, पूरा सोने का है। ये देखिए चादर जा रही इधर से, यहाँ से जा रही थी, काफी बड़ी चादर है ये, बहुत बड़ी चादर थी। ऐसा नारा लगाते हुए जा रहे थे। ये सब ना इन लोग को लेकिन सबसे पहली बार देखे ना बच्चे लोग को अलग अलग लग रहा था सब, अरे ये कैसे होता है, ऐसा भी होता है। इधर पे जाने से एक खास मकसद ये है कि इंसान जो दिल से सच्चे दिन से जो मांगता है वो अल्लाह पूरी करता है, करता ही है। ये भी बात है, वो चादर में सब जेंट्स लोग थे, ये चादर में सब लेडीज लोग थे। ये देखो जा रहे थे, अल्लाह उनकी मुराद पूरी करता है जो दिल से मांगता है। हाँ, बस ऐसे ही कुछ। ये बोले ना ये जगह ऐसी है, ये जन्नती दरवाजा देखिए। हाँ ये जन्नती दरवाजा, ये इसके पीछे जन्नती दरवाजा, नीचे हाथ डाल के इसको चूमते हैं पब्लिक। मगर इतना है कि इंसान दिल से मांगे तो पूरा होता है। हाँ। और इसके अंदर ये इसके अंदर वो कोई मजहब का नहीं आते, हर मजहब के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं। फिर ख्वाजा गरीब नवाज को सभी जन हर धर्म के लोग मानते हैं। हाँ। ये जन्नत दरवाजा बोलते हैं ना। और यहाँ पे आपको हाजिरी देना है तो खादिम वगैरह पे आपको अंदर एंट्री नहीं मिलती है, खादिम नहीं पकड़ेंगे जब तक आप अंदर जा ही नहीं सकते। खादिम के जरिए ही हमको अंदर जो मेन चढ़ावा चढ़ाना है वही जा सकता है, खादिम के जरिए ही होता है, क्योंकि ये पूछ तो चला ही आ रहा है ये खादिम का। और बस यहाँ से ये देखो अजीम आसिफ भी कहते हैं, अजीम आसिफ भी कहते बोले हम लोग जा रहे चूम कर आते हैं, हम ठीक है हम बोली जाओ। फिर यहीं से फिर आगे बढ़कर हम लोग ये इधर बस ऐसे लेफ्ट साइड में घूमेंगे तो यहाँ पर दरगाह पड़ेगी और कवाली वगैरह होती है यहाँ पर। ये देखो लेफ्ट साइड में नहीं दरगाह नहीं पड़ती, लेफ्ट साइड के दरगाह के सामने दरवाजे के सामने कवाली होती तो है, तो वही दरगाह मेन दरगाह तो वहीं पर ही है ना सामने से, शाम जो है जिस जहाँ पे वो कवाली हो रही है वहाँ पे उनका पैर कैसा है, और आगे साइड से बड़ा दरवाजा है वहाँ पे उनका सरियाना है। अच्छा तो बस यहीं पे हम लोग गए तो कवाली हो भी रही थी। ये देखो यहाँ पे हो रही थी कवाली, ये सब बच्चे लोग ने पहली बार देखी थी। यहाँ पे कवाली होती ही रहती है। हाँ, कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि नहीं खाली अजान के नमाज के टाइम पे कवाली रुकती है और कवाली होती रहती है। हाँ, एक जाते हैं तो एक ग्रुप आता है, दूसरा का ख़त्म होता है तो तीसरा ग्रुप आता है, ऐसे ग्रुप वाइज कवाली होती रहती है। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग के क्या बोलते हैं होटल के नीचे ही ना वो था सोडे की दुकान है ना, जीरा सोडा, उसमें जीरा लेमन ऑरेंज ये सब फ्लेवर मिल रहा था, तो जीरा फ्लेवर ये लोग बहुत पसंद आया था, ये फर्स्ट टाइम पी लेते हैं हम लोग। और मेरे बेटे को जीरा शरबत देख के खट्टी डकाराने लगती है सबको, लेकिन बहुत बहुत ही अमेजिंग था उसका टेस्ट वगैरह ना, बहुत जबरदस्त मजा आ गया। अभी हम लोग ने सोडा जीरा पी के तो चला गया, जहाँ जीरा सोडा की बारी थी मेरे बच्चे को खट्टी लेकर कराना चले गए। चप्पल लेकर आई मैं, चप्पल ले गया, और ये पैसा उसकी ईडी में से काटा जाएगा। अभी मत कर बेटा। और ये देखिए ये हम लोग फर्स्ट डे बस घूम फिर कर आए और इतनी तेज बारिश होने लगी, सो बस अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन पहला बहुत अच्छा गुजरा। और बस थोड़ा हम लोग घूमे, मार्केट घूमे, थोड़ा सा गए थे दरगाह में भी लेकिन अंदर नहीं गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा।
बस अभी सोने की तैयारी है, बच्चे लोग भी थके हुए सो जाएंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।